हीरो खंड एक। आवाहन सुनने से इनकार। लेयर्ड हैमिल्टन। आप अपने सपने का पीछा ना करके जो जोखिम उठाते हैं वह समाप्ति की ओर जाता है। यह अंत है, यह बगैर पूर्णता का जीवन है, यह बगैर उपलब्धि का जीवन है, यह बगैर संतुष्टि का जीवन है और यह बगैर खुशी का जीवन भी है। यह दुख है। जब आप अपने सपनों का पीछा करने के जीवन के आवाहन को सुनने से इनकार करते हैं तो आप असंतुष्टि और दुखी जीवन जीने का जोखिम लेते हैं। चाहे आप जो भी करते हों और चाहे आपके रास्ते में कितनी भी भौतिक चीजें इकट्ठे कर ली हों, लेकिन अगर आप वे चीजें नहीं करते हैं जो आपके दिल को गुनगुनाने के लिए प्रेरित कर दें, तो जीवन के अंत में पहुंचने पर आपको भारी असंतुष्टि और अफसोस का एहसास होगा। इसे अपने जीवन की कहानी न बनने दें। चाहे आप इस वक्त कितने ही युवा या बुजुर्ग हों, आपके पास जीने के लिए एक ज्यादा बड़ी कहानी है। अपने सपने का पीछा करना एक बड़ा जोखिम लग सकता है, लेकिन क्या अपना जीवन चूकना सबसे बड़ा जोखिम नहीं है? माइकल एक्टन स्मिथ। अपने सपनों को कभी मौका ना देना आपकी सबसे बड़ी असफलता है। जी एम राव। जब आप अपने सपने या जोश का पीछा नहीं करते हैं तो आप जो काम करेंगे वह एक पिंजरे जैसा लगेगा, भले ही आप सोने का हो, बगैर आत्मा के शरीर जैसा। परिणाम यह होगा कि आप कुंठित, निरुत्साहित और जीवन के उद्देश्य से रहित महसूस करेंगे। अपने आवाहन पर प्रतिक्रिया करने और अपने सपनों का पीछा करने का निर्णय लेना दरअसल आसान रास्ता है। आवाहन से इनकार करना मुश्किल रास्ता है, क्योंकि इसमें आप दुखी होने का जोखिम लेते हैं। आप बगैर खुशी, बगैर जोश, बगैर अर्थ या उद्देश्य का जीवन जीकर खुद को नष्ट करने का जोखिम लेते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपकी वर्तमान नौकरी से प्रेम करते हों, लेकिन समय के साथ आपका काम आपके लिए चक्की बन जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका वर्तमान काम आपका चरम आवाहन नहीं है। शायद अब आपको गहराई तक जाने तथा खुद से यह पूछने की जरूरत है कि कहीं रास्ते में आपने अपने सपनों को एक तरफ तो नहीं रख दिया। लेन बीचली। अगर आप जीवन में कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपके दिल को गुनगुनाने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है, तो हर दिन सुबह उठने से आपके जोश को हवा नहीं दे रही है, तो आप इस ग्रह पर इंसान के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। माइकल एक्टन स्मिथ। जीवन छोटा है, यह कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, यह तो इसे जकड़ने, ज्यादा से ज्यादा चीजों का अनुभव करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने के बारे में है। यह निश्चित रूप से सोफे पर बैठकर टीवी देखने और क्या हो सकता था पर अफसोस करने के बारे में नहीं है। प्लीज मरे। हमने क्रिसमस के बाद वाले दिन मेरी माँ को दफनाया था। तब मैं 16 साल की थी। हमारे पास पारंपरिक अंत्येष्टि के पैसे नहीं थे, इसीलिए हमने उन्हें चीड़ के बक्से में लिटा दिया जिस पर ढक्कन लगा था। लोगों ने बक्से पर सर और पैर शब्द लिख दिए थे। यह सबसे भयानक चीज थी। हमारा जीवन कष्टकारी रहा था, लेकिन हमारा संबंध बहुत प्रेमपूर्ण था और मेरी माँ मेरे पलंग के पैताने पर बैठकर मुझे अपने सपने बताया करती थी। होश में रहने के बारे में, एक मकान खरीदने के बारे में, एक बेहतर जीवन जीने के बारे में, और उनकी सभी बातों का अंत इस संकल्प पर होता था कि वे ऐसा करने वाली हैं, लेकिन तुरंत नहीं, वे इसे बाद में करेंगी, वे इसे बाद में करेंगी। और किसी बिंदु पर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं भी जीवन में खुद से यही कह रही हूँ कि मैं चीजें बाद में करूँगी। आपको लग सकता है मेरे पास अपने सपनों का पीछा करने का समय है, लेकिन देखिए, आपके पास समय नहीं है। जीवन छोटा है। वर्तमान अनुमानित जीवन काल 24,869 दिन का है। हालांकि हम में से कुछ इससे ज्यादा दिन जिएंगे और कुछ इससे कम,
लेकिन दोनों ही मामलों में आपके पास इस जीवन में दिनों की कीमत कीमती संख्या है, इसीलिए आपके पास अपने सपनों में टालम टोल करने का समय नहीं है। यह अभी या कभी नहीं वाली बात है। अगर आप इसे अभी नहीं करते हैं तो इस काम को टालते रहेंगे और कभी नहीं कर पाएंगे। इसे करने का समय अभी है। किसी दिन एक रोग है जो आपके सपनों को आपके साथ कब्र में ले जाएगा। टिमोथी फेरिस। कोई दूसरा आपके सपनों को सच नहीं करने वाला है। यह एहसास होना ही एक बड़ा कदम है। आपका बॉस, मित्र, जीवन साथी, परिवार और बच्चे आपके लिए आपका जीवन नहीं जी सकते। आप एक ऐसे जीवन का सृजन करने के लिए जिम्मेदार हैं जो आपको खुश और संतुष्ट बनाता है। आपके लिए यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। माइकल एक्टन स्मिथ। लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें। अपनी परिवेश, परवरिश और पैसे की कमी या इसकी कमी या उसकी कमी को दोष देना निहायत आसान होता है, लेकिन अगर आप रुक कर कहते हैं, आप जानते हैं, मेरे जीवन के लिए अंततः मेरे सिवा कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, तो यह वह सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसे उठाने पर आपको एहसास होगा कि आपको चीजों को दुरुस्त करना होगा। आपको अपनी मानसिकता बदलनी होती है। आपको उस नौकरी को बदलना होता है। जो भी होता है उसे आपको बदलना होता है ताकि चीजें घटित हों और सही हो जाएं। लिज मरे। बचपन में हमारे पास ऐसा कुछ होता है जिसे व्यसक खो देते हैं। हर नई चीज और रोमांचक लगती है, लेकिन इसके अलावा दरअसल हर चीज संभव लगती है। फिर कुछ होता है, हम असफल होते हैं, हमें अस्वीकृति मिलती है, हम निराश होते हैं, हम अपने उस हिस्से का दमन कर लेते हैं और कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाते हैं। लेकिन काश आप हर दिन जागें और खुद से कहें, अगर मैं अपनी मनचाही चीजों का पीछा करूं तो क्या हो मेरे सपने। आप अलार्म घड़ी का बटन दबाते हैं, फर्श पर पैर टिकाते हैं और बस चल पड़ते हैं अपने जीवन में उस जादू को वापस पाने के लिए, संभावना की खातिर जीने के लिए। आप जीवन में जो चाहते हैं, हो सकता है उसका पीछा करने में आपको डर लग रहा हो, क्योंकि आपके हिसाब से आप उसमें असफल हो सकते हैं। लेकिन यह बात याद रखें, आपको कभी किसी सपने का पीछा करने का आवाहन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप में उस सपने को हासिल करने और उसे सच करने की शक्ति ना हो। लेयर्ड हैमिल्टन। असफलता का डर लोगों को बहुत सी चीजें करने से रोक देता है। मेरी माँ कहा करती है कि हम में से प्रत्येक अपना अवरोध खुद है, कि हम ही खुद को रोक देते हैं। हम एक और तरीके से खुद को रोकते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अब कोई अच्छे विचार या अवसर बचे ही नहीं है। हम इस बहाने का इस्तेमाल करके इस बात को तर्कसंगत साबित करना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई अच्छा अवसर बचा ही नहीं है, तो देखें कि पॉल अर्फेलिया ने कितनी आसानी से एक स्वर्णिम अवसर खोज लिया। एक दिन जब पॉल अर्फेलिया लाइब्रेरी फोटोकॉपियर का इस्तेमाल करने के लिए कतार में खड़े थे, तो उन्होंने वह चीज देखी जो किसी दूसरे ने नहीं देखी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर यहाँ कतार लगी है तो दूसरी जगहों पर भी कतार ही लगी होगी, और इस सरल अवलोकन से किंकोस का विचार पैदा हुआ। पॉल अर्फेलिया, अगर मेरे पास कोई अच्छे गुण हैं, तो वह यह है कि मैं जानता हूँ कि वर्तमान में कैसे रहना है। अगर आप इस पल में नहीं है तो अवसर को भी नहीं देख सकते हैं। माइकल एक्टन स्मिथ। बहुत से लोग सफल लोगों को देखते हैं और कंधे उचका कर कह देते हैं, ओह वे खुशकिस्मत थे। लेकिन जीवन में अपनी किस्मत आप खुद बनाते हैं, और जब अवसर आते हैं तो आपको छलांग लगाकर उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना होता है। एनेस्टेजिया सॉर। अवसर हर दिन हर एक के सामने आते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे आप रेलवे स्टेशन पर हो। हर कोई स्टेशन पर होता है। ट्रेनें लोगों के सामने आकर रुकती हैं,
लेकिन उनकी आंखें बंद रहती हैं। उनकी आंखें खुली नहीं होती कि वे देखें और उस ट्रेन में बैठ जाएं। अफसर हर जगह होते हैं। जी एम राव, कोई बड़ी चीज करने के लिए आपको किसी बड़े सपने की जरूरत नहीं है, बस जीवन के अवसरों के प्रति अपनी आंखें खुली रखें। लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सारे महान अवसर लपके जा चुके हैं। सच तो यह है कि संसार हर पल बदलता रहता है, जिससे नए अवसर सभी दिशाओं में बनते रहते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। सुरक्षा का भ्रम। धन राशि और सुरक्षा के आधार पर अपने जीवन के विकल्प ना चुनें। जीवन लगातार बदलता है, कंपनियां कर्मचारियों को बदलती हैं, दिवालिया होती हैं या विदेश चली जाती हैं, नौकरियां छूट जाती हैं या आर्थिक मंदी की वजह से भारी छटनी का दौर शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी, अपनी बचत और अपना मकान गंवा दें। तलाक हो सकता है, बीमारियां आ सकती हैं और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आपकी काल्पनिक सुरक्षा को दरवाजे के बाहर फेंक सकती हैं। मैंने वित्तीय सुरक्षा को अपने सपनों से ज्यादा महत्व दिया, लेकिन जब मुझे नौकरी से निकाला गया तो मुझे स्पष्टता से समझ आ गया कि मैं जिसे सुरक्षा समझती थी उसका अस्तित्व सिर्फ मेरे दिमाग में ही था। असली सुरक्षा का मतलब यह जानना है कि कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि तब आप अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह जीना सुनिश्चित करेंगे। मैस्टिन की, हालांकि परिवार वाले और मित्र आपसे प्रेम करते हैं और बावजूद इसके कि आपका सबसे ज्यादा हित चाहते हैं, जब तक बड़े होते समय आपके मम्मी डैडी या माहौल बेहतरीन ना हो, तब तक आम तौर पर वे यही चाहेंगे कि आप आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित राह चुने जहां निश्चितता और सुरक्षा हो। माइकल एक्टन स्मिथ। सुरक्षा और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी को छोड़ना अल्पकाल में कष्टकारी हो सकता है, लेकिन आप कई दशक तक जिंदा रहने वाले हैं। आपके लिए अल्पकालीन दर्द सहन करना अच्छा हो सकता है, ताकि आप वह चीज खोज लें जिससे आप प्रेम करते हैं, भले ही वहां वेतन कम मिल रहा हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी नौकरी है जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप अंत में कई दूसरे मायनों में सफल हो जाएंगे। जी एम राव, आप जो करना पसंद करते हैं पैसे के कारण उससे कभी समझौता ना करें। आप जिसमें उत्कृष्ट होते हैं उससे निश्चित रूप से आपको उतनी दौलत और सुरक्षा मिल जाएगी जितने की आपको जरूरत है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन जब आप अपने काम में पूर्णता हासिल कर लेते हैं तो हर दूसरी चीज अपने आप आएगी। सुरक्षा के जाल में कोई भी फंस सकता है। कई लोग बहुत सा धन कमाते हैं, लेकिन उन्हें अपना काम चक्की की तरह महसूस होता है। दरअसल वे उतने ही नाखुश और असंतुष्ट होते हैं जितना कि बहुत कम कमाई करने वाले। लेयर्ड हैमिल्टन। धनराशि आपके लिए क्या है? यदि यह आपका लक्ष्य है तो यह आपका मालिक बन जाएगा। यह आपकी गतिविधियों और आपको नियंत्रित करेगा। भौतिक वस्तुएं अद्भुत हैं और उनका अनुभव करना पृथ्वी पर रहने की भारी खुशियों में से एक है, लेकिन सामाजिक प्रभाव की बदौलत हम यह गलत विचार करने लगते हैं कि भौतिक वस्तुओं का संग्रह ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर भौतिक वस्तुएं ही हमारे जीवन का उद्देश्य होती तो उनमें से हमें सच्ची खुशी, पूर्णता और संतुष्टि मिल जाती, तब हमें कभी किसी दूसरी वस्तु की खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब पाई गई वस्तुओं से महसूस होने वाली खुशी क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होती। यदि भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता तो यहाँ से जाते वक्त हम उन्हें अपने साथ ले जा पाते। आप सुबह अखबार उठाने के लिए मकान के बाहर जाते और देखते कि सड़क के पार जो बूढ़ा रहता था उसका मकान गायब हो चुका है, क्योंकि वह उसे अपने साथ ले गया। हम अपने साथ भौतिक वस्तुएं इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि वह नहीं है जो हम हैं। हालांकि वे पृथ्वी पर जीने के आनंद का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। लेन बीचली। यह मुश्किल था, यह चुनौतीपूर्ण था और मैंने बहुत त्याग किए, लेकिन मैंने वे त्याग जानबूझ कर किए, क्योंकि विश्व चैंपियन बनने के सपने का पीछा करना
मेरे लिए पैसा बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत थी, लेकिन यदि हम भौतिक वस्तुओं का ही पीछा करते रहें, तो सचमुच संतुष्टिदायक जीवन जीने की हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी। अपने सपनों का पीछा करने की बजाय भौतिक वस्तुओं तथा सुरक्षा की खोज को अपने जीवन का उद्देश्य ना बनाएं। पूंछ को नेतृत्व नहीं, अनुसरण करने दें। विरोधाभासी बात यह है कि जब आप सुरक्षा की बजाय अपने सपनों का पीछा करने का चुनाव करते हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, भौतिक दौलत भी और समृद्ध संतुष्टिदायक जीवन भी। इसके अलावा आपको ऐसा कुछ भी मिलता है जो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास उपलब्धि, संतुष्टि और पूर्णता की सबसे महान भावना होगी। जाहिर है आप हमेशा और ज्यादा करना चाहेंगे और अपने सपनों को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जब आप हीरो की यात्रा करके पूर्ण संतुष्टि की भावना महसूस करते हैं, तो आपके मन में जरा भी शंका नहीं रहेगी कि यही आप करने के लिए पैदा हुए थे। आप अपने उद्देश्य को पूरा करने पर आप अपने भीतर जो हासिल करते हैं जाते वक्त अपने साथ ले जाते हैं। अपने जीवन के अंत में पहुंचकर उन सारी चीजों पर अफसोस ना करें जो आपने नहीं की। आपका जीवन कीमती है। अगर आप खुद को चंद सिक्कों में बेच देते हैं, तो आपको वह खुशी नहीं मिलेगी जिसकी आप पूरी तरह खोज रहे हैं, क्योंकि सच्ची खुशी तो अपने सपने साकार करने में मिलती है। कल्पना करें कि बिना किसी अफसोस के जीवन के अंत तक पहुँचना कैसा रहेगा। कल्पना करें कि आप पलट कर अपने किए गए हर काम को देखेंगे और संतुष्टि की परव भाव से भर जाएंगे। लिस मरे, आप वह कहावत जानते होंगे कि अपने संगीत को अपने भीतर छिपाए हुए ही न मर जाएं। लोग जब रात को तकिए पर सिर रखते हैं, तो वे मन में सपने देखते हैं, और अगर आप उस आवाज का सम्मान नहीं करते, तो यह कहीं नहीं पहुंच पाती है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके भीतर रहती है। आप इस ऊर्जा को नकार नहीं सकते। यह तो उस सूत्र का हिस्सा है जो आप इंसान के रूप में हैं। इसलिए अगर आप रात को तकिए पर सर रखते हैं और इस संसार में कुछ करने के लिए आपका आवाहन किया जाता है और आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वह सपना आपके भीतर ही बंद रह जाता है। मेरे लिए यह सबसे बुरी चीज़ है, अपना संगीत अपने भीतर छिपाए हुए ही मर जाना। मेरी एक सहेली कई वर्षों से टेलीविजन के प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी कर रही थी। उसने कंपनी में जिन परिवर्तनों की खातिर काम किया था, उन्हीं की बदौलत उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वह जानती थी कि उसकी सबसे बड़ी तमन्ना फिल्म डायरेक्टर बनने की थी। इसीलिए जब वह अपने सपने के मुताबिक नया जीवन जीने की योजना बनाने लगी, लेकिन अफसर को जकड़ने और फिल्म निर्देशक के रूप में अपने नए जीवन को शुरू करने से पहले ही उसे एक बार फिर टेलीविजन के प्रशासनिक क्षेत्र में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। उसने वह नौकरी कर ली और इस तरह उसके सपने और नए जीवन की संभावनाएं काफ़ुर हो गई। माइकल एक्टन स्मिथ, मैं अपने जीवन के अंत में किसी नर्सिंग होम में बैठकर यह नहीं सोचना चाहता था कि काश मैं इन सारी चीजों को अलग तरीके से करता। एनेस्टेसिया सॉर, आपके पास खोने के लिए क्या है? आपको इसकी कोशिश करनी ही चाहिए। हिम्मत नहीं करेंगे तो आप जीवन जीते रहेंगे, लेकिन आपको यह पता ही नहीं चल पाएगा कि आप यह करने में समर्थ थे। यह दुखद है, मेरे हिसाब से बहुत दुखद है। पॉल और फेलिया, मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूँ कि कॉलेज से ही अपना व्यवसाय शुरू कर दो। आपके साथ सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? आप अपने माता पिता के साथ दोबारा रहने जा सकते हैं। यह अनुभव के बारे में नहीं है, बस अपनी गर्दन बाहर निकालो और अपना व्यवसाय शुरू कर दो। मैस्टीन कीप, ज्यादातर लोग छलांग नहीं लगाना चाहते क्योंकि उन्हें पर्याप्त दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आमतौर पर वे कदम तब उठाएंगे जब वे इतने उकता जाएंगे, इतने थक और उकता चुके होंगे कि वे कहेंगे, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पॉल और फेलिया, भले ही आप किसी नौकरी या पेशे में अटके हों जिसे आप पसंद नहीं करते,
लेकिन इसके बावजूद आज आपके पास मानव इतिहास में सबसे ज्यादा संभावना है कि आप अंततः वह चीज करें जिससे आपको सचमुच संतुष्टि मिलती है। परिवर्तन करने से पहले तब तक इंतजार ना करें जब तक कि हालात बर्दाश्त से बाहर ना हो जाएं। इसी समय अपनी जिंदगी बदल लें। सच्ची खुशी और संतुष्टि के सिवा कोई भी चीज आपके लिए पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं है, इसलिए इसे कमतर से समझौता ना करें। भले ही आप सोचते हो कि सुरक्षा के तंतुओं ने आपको कसकर जकड़ रखा है और आप अपने दायित्वों के कारण हिल भी नहीं सकते, लेकिन यह याद रखें कि कभी बहुत ज्यादा देर नहीं होती है। अपने सपनों का पीछा करने के हमेशा असीमित तरीके होते हैं और आप जितना सोचते हैं यह उससे बहुत आसान है। धन्यवाद।